हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलामुअलैकुम। आज मैं प्रॉपर शहरी रूटीन पर रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। आई नो इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि शहरी रूटीन होता क्या है, पर मैं इतना अंदाजा जरूर लगा सकती हूँ कि सनराइज से पहले शहरी होती है। इसका मतलब सुबह के 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता होगा और सारा खाना बनाना पड़ता होगा, या फिर रात को भी बना के सो सकता है इंसान यार। तो अब ये जो सारी मिस्टीरियस चीजें हैं फॉर मी वो मैं पता लगाऊंगी। और इफ्तारी तो सिंपल है यार, क्योंकि आप आराम से दिन में खाना बनाओ और सनसेट के बाद खा सकते हो, बट शहरी इज क्वाइट अ टिपिकल टास्क आई नो। तो चलिए इस रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत 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 ब्यूटीफुल वीडियो है ऑन द इंटरनेट, आप इसको पूरा देखिएगा मेरे साथ बैठ करके। एक वो जो फील होता है, एक एग्जैक्ट वाइब क्या होती होगी शहरी वाली, उसमें अपन पहुंच जाएंगे। और यही चीज मुझे यूट्यूब की सबसे अच्छी लगती है, पता है कि कितने सारे लोग होंगे मेरे जैसे नॉन मुस्लिम्स जिनको पता नहीं है, ये टर्म्स भी पता नहीं है कि शहरी क्या है, इफ्तारी क्या है, रोजा क्या है, उन्हें सब पता चल सकता है यूट्यूब से। तो चलिए ठीक है, अपन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। मैं वहाँ पे रोजाना कॉमेडी रील बनाती हूँ आप ही के लिए, आपको हंसाने के लिए। मेरे वीडियोस भी एकदम डिफरेंट है, बहुत हंसी आएगी आपको देख के। दिस वीडियो इज बेसिकली इंडियन रिएक्शन ऑन शहरी किचन रूटीन। अरे वाह, एकदम सीरियल वाली वाइब्स है यार। रेडी टाइम लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है खाना, बहुत डिलीशियस। सब बोलते हैं, मैं ब्यूटीफुल बोलती हूँ, क्यों सुंदर इतना लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका लाइफ विद दामना में। तो आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक और सहरी मुबारक, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट सहरी है। तो हम बना रहे हैं पराठे। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी अपनी सहरी रूटीन, हमेशा की तरह पिछले साल भी की थी ना, तो इस साल भी मैं करूंगी। तो अभी हम बना रहे हैं पराठे, तो अभी सब आने वाले हैं और मेरे साथ हेल्प करने वाले हैं भाभी आयशा वगैरह, ठीक है। और ये बन रहे हैं पराठे। पहले मैं इसके पेड़े बनाऊंगी, फिर उसमें देसी घी लगाऊंगी। पेड़े बने होंगे, उसमें घी लगा होगा, लेयर्स बनेंगी फिर, ठीक है। इसमें पहले बनाकर रख रही हूँ, अभी हो गया। तो ये देखिए मेरे पेड़े बन गए, अब मैं इनको बेल के इनमें देसी घी लगाऊंगी और थोड़े से बल डालूंगी। मतलब कैसे मैं बनाती हूँ, तो पिछले साल भी मैंने बनाए थे पेड़े बना रहे हैं। करते हैं जल्दी जल्दी से, बनाकर रखू ये ना देर हो जाए। चलो पेड़े एकदम मिठाई, मैंने खाए हुए हैं। चलो चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है, चाय बनाऊंगा। चलो फटाफट से मैं पेड़े बनाऊंगा। फटाफट चलो, ये देखो अब एक पराठा भाभी भी बनाएंगे। यहाँ से उठाएंगे ऐसे ऐसे, बस आराम से हमारा पराठा बन जाएगा। अच्छा पराठा ऐसे करके, ऐसे एक साल हो गया, भाभी को भी पकाना आ गया पराठा, आ गया ना। हाँ। उनको भी आ चुके हैं पराठे बनाने। मैंने जरा मैंने पिछले साल नहीं आता था ना, इस साल उन्होंने सीख लिए हैं पराठे बनाने। अरे मैं तो करती हूँ, चलो आप भी इतनी कर लेते हैं। बेलन दूधी से ना लिया है, एक लगा से ना लिया है, दोनों दोनों करते रहते हैं। सही है, जल्दी से जाओ लेने, इसलिए मैं डैडी को देर ना हो जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो ये देखिए टाइम बहुत कम है, तो अगर ऐसा हो आपके पास टाइम ना हो, तो टाइम बहुत कम रह जाए शहरी में, तो आप लोग क्या करते हो? तो इस वीडियो के जरिए कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। टाइम नहीं है तो शहरी कैसे रेडी किया आपने जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे देर हो रही है, मैंने अभी शूट भी किया है, मैं शूट से भी फ्री हुई हूँ, किचन विद आमना का शूट भी करके फ्री हुई हूँ और शहरी भी रेडी करनी है, तो इसलिए टाइम बहुत कम है यार। ये तो अच्छा, इनकी लाइट्स इतनी अच्छी हैं कि वो दिन लग रहा है मेरे को, फील ही नहीं हो रहा है कि एकदम सुबह का टाइम। थोड़ा थोड़ा लगा रही, ज्यादा नहीं। चलो अभी आप भाभी भी बनाएंगी, दोनों बना के जल्दी जल्दी फारी होते हैं, दूसरे काम करते हैं, फारी होते हैं। ऐसा करो इधर, इसको इधर कर दो, इसको उठा दो, इधर करो आप, इधर इधर कर दो, ये लगा दो, हाँ इधर हल्का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि वो इतना वो है, चिकना कर देता है उसको।
ये छोटा था, ये वाले नहीं बड़े हैं, ये वाले ये पराठे हैं, वो नॉर्मल हैं। अच्छा, वो सादी रोटी के लिए। अच्छा। मेरा तो एकदम मन कर रहा है खाने को। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? होता है सबके साथ। जब भाभी से पूछते हैं कि क्या वो शादी से पहले रमजान में मतलब सहरी के टाइम क्या करती होती थी, क्या करती थी? कुछ भी नहीं करती थी, खाती थी बस। खाती थी, थोड़ी बहुत हेल्प करती थी। अच्छा, ये हो गए दो और तीन और चार पांच। चाय बनाती थी, चाय बनाती थी। अच्छा, बस हो गया, ठीक है। चाय का बहुत बस, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको याद कर लो ना। मैंने ना दो बिलाल के, तीन आपके, चार मैंने आपके बना दिए। चार सही है, और कुछ दूंगा मेरा पेट नहीं बढ़ा। नहीं वेस्ट होगा फिर चार से। अच्छा, तीन ठीक है। मतलब ये कि दो अली भाई के और एक भाभी का और दो बिलाल के और एक आयशा का। हाँ ठीक है, एक आयशा का और एक मेरी रोटी छोटी सी, बस हो गए पराठे हो गए। और वो होगी सादी रोटी, वो आयशा के लिए है, सादा सा, जिसमें देसी घी नहीं होता, इसमें लग गया क्योंकि आयशा को देसी घी नहीं अच्छा लगता, इसलिए। अब कुछ नहीं, आप इसको रेस्ट देते हैं और उसके बाद ना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो शामी कबाब को फ्राई करना है। किसने किसने खाना है उसके लिए फ्राई कर लेंगे, ठीक है, जो हमने फ्रीज करके रखे हुए हैं। सिंपल सा है, ऐसे करके हम बना लेते हैं। यार ये एक्चुअली बहुत अच्छा तरीका है पराठे बनाने का। इनको जो है ना, इनको सॉफ्ट पराठे अच्छे लगते हैं ना। इनको वो जो होते हैं ना, वो क्रिस्पी क्रिस्पी, वो नहीं अच्छे लगते। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो, और वो मैं करती हूँ आयशा का। अब आरबाड़िए आयशा की साफ करके। हम तो यहाँ पे सहरी तैयारी कर रहे हैं ना, आयशा बाल में बर्तन धोएगी। आयशा का काम है बर्तन धोना। अभी लगाना है? हाँ अभी लगाना है। बहुत रोटियां ले ली इसलिए आते हैं। तो मैं तो कहती हूँ पराठे बना के रखते हैं, टाइम बहुत कम है, अंडे फ्राई करेंगे। चाय भी रख दें आप, पानी चाय का। चलिए, मैं बेसिकली यही बोल रही थी कि चाय का चस्का होता है जब भी होता है तो सहरी है। मैं पराठों को ले लूँ जो पहले पहले रखे हुए थे। तो देखिए, मैं ना सारे पेड़ों को ना इस तरह फ्लैट करके रखती हूँ कि मुझे बेलने में आसानी पेश आए। चलो ठीक है, आप मेरे को सुनाओ, मैं पराठे बना के रखती हूँ, ठीक है। आप जाओ, टाइम नहीं है, जल्दी जाओ जल्दी। मैं इनको बेलती हूँ, आशा और मेरी हेल्प करो, चाय का ध्यान रखो, ठीक है। यार कितनी प्यारी फैमिली है यार। देखो तवा गरम हुआ है, मैं रोटी डालने आऊं ऊपर। पीछे 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 बिस्मिल्लाह करके डालते हैं, बिस्मिल्लाह करके रखते हैं। ये भी तो ग्रेट। अब मैं इस पे घी डाल दूंगी। लोगों ने कहना उफ इतना घी, ये घी नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद है, देसी घी है, देसी घी के पराठे बन रहे हैं। जो आयशा को नहीं पसंद, आयशा आपको देसी घी क्यों नहीं पसंद? मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती। आप लोग ही आयशा से पूछो, आयशा बताओ ना सबको, स्मेल नहीं अच्छी लगती मुझे। क्यों? पता नहीं, फैमिली होता है बहुत।
बचपन में आप खाती थी, मैंने सुना मैं अम्मी कहती है कि आप बचपन में बहुत ज्यादा खाती थी। मुझे नहीं यार, मुझे ऑयली ऑयल पसंद है, ऑयल वाला पराठा, बल्कि पराठा नहीं खाना, सिंपल रोटी खानी है। मैंने तो आपको ऑयल वाला पराठा बना दिया। मैंने ऑयल वाला पराठा खाना ही नहीं, मतलब ऑयल का पराठा बनाया मैंने, नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने ऑयल लगाने ही नहीं, मतलब मैंने अंदर लगा दी है, आप ऊपर ना लगाना। ठीक है, ठीक है ना। ओ, उसको निकालो, फॉइल लेके आओ, फॉइल में डालते जाएंगे हम, खराब ना होना जल्दी करो, जल्दी लो ना, मैं करते रहूं। जरा सा भी काम हुआ ना घी, इन्होंने कहने हमने नहीं खाने सूखे पराठे, ऐसा है। सब लोग ही ज्यादातर ऐसे ही खाते हैं क्या? तेल नहीं ठीक है, थोड़ा ओवर। इट लुक्स लाइक मिर्ची का पराठा होता, सिक रहा है ना अच्छे से। चाय भाभी बनाएगी। चलो अभी एक पराठा हो गया, मैं पराठा खाऊं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो छोड़ दो, इधर ना खुल दी जाएगी। चलो अभी पराठा रेडी है, अब ऐसे फौज में रख, और इसी तरह मैं फिर दूसरे करती हूँ, और इसको साइड पे करती हूँ, तवा हमारा जल ना जाए। अभी मैं खुद नहीं खाती पराठा, लेकिन ये सब खाते हैं ना, तो मेरा दिल करता है, मुझे पराठा अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खा सकती, वजन बढ़ जाएगा उससे, वजन मोटी हो जाऊंगी मैं, लेकिन मैं कभी मोटी नहीं हो सकती, उससे मेरा डाइट प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि वो मैं इतने फिट है, मैं कैसे मोटी हो सकती हूँ, वो भी इतने फिट है, तो फिटनेस का ख्याल रखते हैं। बड़े क्यूट है यार ये दोस्तों, वो बढ़िया भी है। मैंने भी चीनी डाली नहीं, अच्छा भी हमारी है, ये हमारी है फिर, सबकी है, सबकी है, मतलब आप लोगों की पहले निकाल लूंगे, फिर हम अपने में चीनी डाल लेंगे। भाभी ने आटा बहुत अच्छा गूंदा था, इसलिए वो पराठे है ना, वो लचक वाला आटा बहुत जबरदस्त था, जल्दी से बेला जा रहा है। मुझे कुछ नहीं है ना, ये छोटू सा पराठा मेरा आएगा, गोभी पकी है तो गोभी के साथ पराठा मैं खा लूंगा, सोच रही हूँ खा लू कि नहीं खाऊं, मोटी हो जाए। सबके लिए सैरी बनानी है, अफ्तारी भी आमना ने, किचन विद आमना की रेसिपी भी शूट करवानी है, तो मोटी कहाँ से होगी। ये मैं इन चीजों के बारे में सोचू, मैं ये काम कर लू, मुझे कहूँ मोटी हो जाए, मैं मोटी हो जाऊँ पीछे, पता ही ना हो मुझे, आज खा लो बस, आज फर्स्ट है ना तो खा लेते हैं। चलो आयशा ने कहा तो खा ही लेती हूँ, पर मैं तो ऑयल नहीं लगाऊंगी, ऑयल लग चुका है घी, मतलब किसका है ये, एक और है उसके बाद आपका है, ये अब एक रखा लास्ट पराठा रह गया बस, वो कौन बनाएगा, ये वाला आप बना लो ना, ये आप बना लो, ये मैं उसका आशय कुछ बना लो, दबाई दबाई ना दबाओ ना, बस हो गया हाथ से मेरे रेसिपी की स्मेल ना आए, हाथ वॉश कर लो। चलो ठीक है, हो गया बस, तो भी डाले डाले डाले, मुझे पकाना आ गया लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है तवे पे डालने पे, कोई बात कुछ नहीं होता, डाल ऐसे डाल दो, कोई बड़ा नहीं, जरूरत ना बड़ा कर दिया, आराम से बैठा हो जाके डाल, मुझे मिला कर इट्स एक्चुअली वेरी बिग आर्ट, उसे डाले हाथ से, कुकिंग इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ठीक है ठीक है, छोटे नहीं ये छोटे थे, कुछ छोटे थे, दो मैंने छोटे बनाए, बाकी बड़े हाँ घी भी डाले ना अपनी मर्जी से, खुद ही बनाए, मैं आयशा में बनाती हूँ, बस
जबरदस्त बनाए। ठीक बना सीखा लिखते है लाजी है मेरा पराठा। मैं खुद ही कर लेती हूँ अपना कड़ा कड़ा जल्दी करूँ दूसरे काम करूँ। लो जी आज अच्छा भी बना रही है रोटी। मैं अपने लिए पकाती हूँ और आमना सबके लिए पकाती हूँ क्योंकि सबको आमना के हाथ के पराठे पसंद है। चाय दी चाय दी चाय दी आज तक कर दो आप अंडे बनाते हैं भाभी का हाफ फ्राई। तो ये भी अलग अलग स्टाइल में बना रहे हैं। नहीं कुछ नहीं होता खा लूंगी मैं। ठीक है ले लो आप। तो ये अंडा मेरा डैडी हाफ फ्राई। ठीक है और अब शामी कबाब। शामी कबाब फ्राई होगा। चाय भी रेडी हो चुकी है। तो सबकी सहरी मैंने रेडी कर ली है और मैंने अपना और आयशा का कप चाय का निकाल ली क्योंकि उन्होंने ये विदाउट शुगर है उन्होंने उसमें शुगर डाल दी है और भी बना ली है पत्ती भी डालनी है। हाँ अभी उन्होंने ज्यादा तेज पत्ती वाली चाय पीनी है। तो अब हम दस्तरखान पे जाते और लेके चलते हैं और सबको बुलाते हैं आम खा लो सहरी खा लें आप सहरी के खा लें। हाय दस्तरखान पे यार कितना सही सिस्टम है यार। सुबह सुबह के टाइम पे सूरज के उगने से पहले एक्चुअली व्रत जो है रोजे जो है वो इसीलिए होते हैं कि अपने पेट को आराम मिल सके शांति रेस्ट मिल सके। इतना काम करता है 2400 घंटे नहीं तो अपन नॉर्मली तो पूरे दिन चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो सहरी हमने खा ली है और आशा ने सारे बर्तन भी धो लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें इसे शेयर करें लाइक इन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक इन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके यार अब मुझे अच्छे से ना मतलब समझ में आने लगा है कि सहरी का पूरा रूटीन होता है। दस्तरखान बिछाते हैं वो फिर उसके ऊपर खाना वो ग्रहण करते हैं। अच्छा लगता है ना यार पता है ये फेस्टिवल्स जो हैं जितने भी रिचुअल्स हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम हमारी फैमिली से हमारे जो लोग हैं उनसे गैदर कर सके। एंड इट्स ऑल अबाउट हीलिंग। इतना साइंटिफिक होता है ना रोजा भाई। यही बात है कि हम नॉर्मली 2400 घंटे बस खाते रहते हैं रात को भी कभी भूख लगी तो खा लिया दिन भर खा लिया बेसिकली कोई रूटीन नहीं होता कभी भी कुछ भी खा लेते हैं और उस चीज से अपना पेट बहुत थक जाता है तो उसको आराम देने की जरूरत होती है ना। इनकी किचन के अंदर लाइटिंग्स इतनी अच्छी थी कि एक बार को मुझे लगा यार ये दिन के टाइम में शूट कर रही है क्या। वो एकदम धूप आते हुए लगी मेरे को पर वो उनकी लाइट्स थी वो सहरी का टाइम था सुबह की 3-4 बजे वो खाना बना रही होंगी। इतनी प्यारी प्यारी महिलाओं को जब मैंने कुकिंग करते हुए देखा तो यार ऐसा लगता है कितना बड़ा आर्ट है और ये फैक्ट है हर कोई नहीं कर सकता है कुकिंग। मतलब मुझे भी उतनी आती नहीं है बट आई एम लर्निंग
एंड आई विल होपफुली सीख जाऊँ अच्छे से। वो कहता है ना सबके हाथ का अलग अलग स्वाद होता है, माँ के हाथ का स्वाद तो माँ के हाथ का ही होता है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको बड़ा मजा आया होगा ये वीडियो देख करके, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा है अभी। आई विल कम अप विद मोर गुड बेटर बेस्ट वीडियोज। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ना वीडियोज के टाइटल्स लिख सकते हैं जिन पे आपको रिएक्शन चाहिए, मैं रीड करके ट्राई करूंगी रिएक्ट करने का। ओके चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। इंस्टाग्राम पे कर लेना मुझे फॉलो, क्योंकि वहाँ पे कॉमेडी रील्स होती है तो आपको बढ़िया एंटरटेनमेंट हो जाएगा। दिस इज किलाया रिएक्टर निधि शर्मा साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज, शब्बा के शुभ रात्रि।